अरे गाइस यार, ये मुर्गा मुझे हर बार उठा देता है, पता नहीं इसको क्या ही प्रॉब्लम है। और यार ये तो मेरा ऑफिस जाने का टाइम है, मैं तो लेट हो गया। अरे यार भैया, आप तो हमेशा ही लेट हो जाते हो, एक और बार लेट हो जाओ ना मजा आएगा। अरे सिंचन कैसी बातें करता, अगर आज मैं लेट हुआ ना तो वो मुझे पक्का कि मुझे ऑफिस से बाहर निकाल देंगे, वो भी लात मार के। अरे यार भैया, मैं तो ये सीन जरूर देखूंगा। अरे तेरे को सीन देखने की पड़ी है, मैं लेट हो गया हूँ। मैं यार हीरो होंडा अपनी पुल अलग ही लेवल चला रहा हूँ अपनी स्प्लेंडर। तो गाइस आप लोग साफ साफ मेरा ऑफिस देख सकते हो बिल्कुल ही सामने, और हम पहुंच चुके हैं ऑफिस, शायद आज तो लेट हो गया, जल्दी से पार्क करते। अरे यार भैया, आपका ऑफिस तो बहुत बड़ा है। अरे सिंचन, तू तो ऐसे कह रहा है कि तूने मेरा ऑफिस कभी देखा नहीं है। अरे यार भैया, मैं भी कर रहा हूँ। अरे यार सिंचन, तू अलग ही बातें करता है। चलो गाइस अभी हम ऑफिस चलते हैं जल्दी से। चलो गाइस फिर चलते हैं हम जल्दी से ऑफिस। अरे यार भैया, तो आपको बोनस मिलेगा ना। ओए गलती से भी ऑफिस में कदम मत रखना। अरे बहन जी क्या हो गया, मैंने अब क्या कर दिया? तुम कुछ करते तो नहीं हो, वैसे भी तुम्हारा अब कोई काम नहीं है अभी। वैसे भी बॉस ने तुम्हें निकाल दिया, तो पहली फुर्सत में यहाँ से निकल। अरे यार समझो यार, इसके अलावा मेरे पास कोई भी काम नहीं है, मेरा घर कैसे चलेगा? चल मुझे कुछ भी नहीं पता, अभी यहाँ से जल्दी से निकलने, वरना अभी गार्ड को बुला के तेरे को उड़ा दूंगी। एक काम क्यों नहीं करते, सब्जी का ठेला ढरका लिया करना, अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दो। आलू गोभी सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। अरे यार भैया, आप तो पहले से एक्सपर्ट थे, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, अपन दोनों मिलके डरकाते ना ठेला। अरे सिंचन यार, वो तो मैं हर चीज में कमा लूं, पर ये समझते नहीं ये कंपनी वाले लोग। चलो यार चलते अपनी हीरो होंडा उठाते हैं। चल जल्दी निकले, दिमाग खराब मत कर मेरा। सच कह रहा हूँ, अगर मैं एक बार अमीर बन गया ना, तो सबसे पहले मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, देख लियो तू, मैं तेरा ये पूरे ऑफिस खरीद लूंगा एक दिन। चल भी फेंको, पहले तो जाके अच्छे खास से कपड़े खरीद ले, पूरे दिन सैंडो में घूमता रहता है। तो गाइस यार अभी क्या ही सीन हो चुका, मेरी पेट्रोल भी खत्म होने वाली है, पैसा नहीं है जेब में एक भी। अरे यार भैया, मुझे तो लगता है खत्म हो गई। वो कहते हैं ना, जिस चीज का भी डर होता है वो अपने आप हो जाती है। अरे यार भैया, आप तो शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहे हो। देख सिंचन, मुझे शाहरुख खान बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं खुद ही शाहरुख खान हूँ। प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो यार, पेट्रोल डलवा दो यार, वैसे भी गरीब आदमी हूँ। पेट्रोल डलवाने से पहले मुझसे तो मिल ले। क्यों भाई, आप मुझे पैसे दोगे क्या? अरे भैया, ये तो हमारा पला हो जाएगा। ओए पेट्रोल को तो नहीं पता, पर तेरी एक हेल्प कर सकता हूँ, एक लॉटरी खरीद ले और 15 करोड़ रुपए जीत सकता है। और अगर नहीं जीता तो फिर मैं क्या करूँगा, वैसे भी पैसे नहीं रहते मेरी जेब में। ओए तुम्हें जीतने पे भी कुछ ना कुछ चाहिए और हारने पे भी कुछ ना कुछ चाहिए, ये चल क्या रहा है बैंड बाजा। अरे यार भैया, इनका तो नहीं पता, लेकिन मैं आपसे लॉटरी खरीद लूंगा, वैसे भी मेरी जेब में 10 रुपए डले, अगर दोगे तो बताओ। ओए चल तू ले जा और यहाँ से निकल जा, कल लॉटरी के टिकट का अनाउंस होगा तो आ जाना। क्या जीत पाएगा सोन और सिंचन ये लॉटरी, और दिखा पाएंगे उस घमंडी लड़की को कि कोई गरीब भी अमीर बन सकता है? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब अगले पार्ट में, जरूर देखना।